तो भाई ओप्पो भी इंडिया में लॉन्च करने वाला है अपना एक नया स्मार्टफोन। भाई सारी कंपनियां कर रही है तो ओप्पो क्यों पीछे रहने वाला था। भाई ओप्पो लॉन्च कर रहा है F15 को इंडिया के अंदर 16 जनवरी 2020 को शायद ये फोन इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा। तो भाई इस वीडियो के अंदर देखते हैं क्या स्पेसिफिकेशंस देगा, क्या फीचर्स देगा, कैसा है फोन, किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होगा और क्या आपको इस फोन का वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रो टेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं भाई बिल्ड एंड डिजाइन से। तो यहाँ पर इस फोन की जो बिल्ड है ना वो थोड़ी सी है ना ऐसी कंफ्यूज कर रही है अभी के यार। यहाँ पर आपको ग्लास बिल्ड देखने के लिए मिलेगी या प्लास्टिक बिल्ड देखने के लिए मिलेगी। जितने मैंने रेंडर्स देखे हैं या जो मैंने एडवर्टाइजमेंट में फोन देखा है उसको देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपको प्लास्टिक बॉडी देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा ये चीज कंफर्म है, लेकिन बैक में आपको ग्लास प्रोटेक्शन मिलता है या नहीं मिलता है ये चीज कंफर्म नहीं है। तो ओवरऑल फोन का जो बिल्ड है वो डिसेंट है और भाई अगर प्लास्टिक बिल्ड मिलता है तो वो थोड़ा सा कम लगेगा और अगर ग्लास बिल्ड मिल जाता है तो काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी इस फोन के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। डिजाइन की अगर बात करें तो भाई रियलमी X2 और रियलमी XT के जो पुराने खोखे बच गए थे ना उसी के अंदर मशीन फिट करके यहाँ पर ओप्पो हमको देने वाला है। सेम वो ही डिजाइन हमको देखने को मिल रहा है और भाई मेरे को तो ऐसा लग रहा है जो कैमरा बम्प है ना वो भी उतना ही है जितना आपको रियलमी XT और X2 में देखने के लिए मिला था। सेम डिजाइन आपको मिल जाती है, टॉप लेफ्ट में 4 कैमरास मिल जाते हैं, उसके अलावा पीछे की तरफ कुछ नहीं मिलता है। फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर आपको ड्यू ड्रॉप नॉच देखने के लिए मिल जाएगी और भाई ओप्पो पहला ऐसा फोन था जो ड्यू ड्रॉप नॉच लेकर के आया था मार्केट के अंदर, तो अभी भी इस फोन के अंदर भी आपको ड्यू ड्रॉप नॉच देखने के लिए मिलेगी इस फोन में। तो ओवरऑल बिल्ड एंड डिजाइन की बात करें तो डिसेंट बिल्ड आपको मिलती है, डिसेंट डिजाइन मिलती है भाई, बहुत कुछ नया नहीं देखने के लिए मिलता है, एक एवरेज आपको बिल्ड एंड डिजाइन इस फोन के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। डिस्प्ले क्वालिटी की अगर बात करें 6.4 इंचेस का फुल HD प्लस रिजोल्यूशन वाला सुपर AMOLED पैनल आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है। तो बिल्ड क्वालिटी भाई सुपर AMOLED पैनल आपको मिल जाता है तो यूं ही बहुत तगड़ी हो जाती है। यहां पर आपको 85.4% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाता है, साथ ही में 403 PPI का पिक्सल डेंसिटी मिल जाता है। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा डिस्प्ले आपको इस फोन के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। यहां पर आपको फुल व्यू डिस्प्ले नहीं मिलता है, ऊपर की तरफ ड्यू ड्रॉप नॉच मिलती है, लेकिन हां ओवरऑल एक अच्छा डिस्प्ले आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। अब भाई जब सुपर AMOLED पैनल लगा रखा है तो कंपनी ये मौका नहीं छोड़ती, तो यहां पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी इस फोन के अंदर फिट कर दिया गया है। तो यहां पर आपको सिक्योरिटी के मामले में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। ओवरऑल बिल्ड डिजाइन एंड डिस्प्ले की बात करें तो डिसेंट बिल्ड एंड डिजाइन है, लेकिन बहुत तगड़ा डिस्प्ले आपको इस फोन के अंदर मिलता है। कैमरास की बात करते हैं, ओप्पो ने भी वही किया है भाई जो दूसरी कंपनियां करती आ रही हैं। 4 कैमरे का सेटअप आपको पीछे की तरफ मिलता है, 48+8+2+2 मेगापिक्सल। अब भाई ये चीज़ तो मेरे को बताना भी नहीं पड़ेगी आपको कि कौन सा कैमरा क्या काम करने वाला है, ये खुद आप समझ गए होंगे। 48 मेगापिक्सल प्राइमरी लेंस, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। अब भाई यहां पर जो 2-2 मेगापिक्सल के कैमरा से अगर उनको हटा दिया जाता और एक ही 5 मेगापिक्सल का या तो आपको मैक्रो शॉट्स के लिए दे देते हैं या डेप्थ सेंसर दे देते या टेलीफोटो लेंस दे दिया जाता है यहाँ पर, तो कैमरा मॉड्यूल इसका काफी तगड़ा हो जाता, लेकिन यहाँ पर एवरेज कैमरा मॉड्यूल आपको देखने के लिए मिलता है पीछे की तरफ। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, अच्छा कैमरा दिया गया है, साथ में ओप्पो की इमेज प्रोसेसिंग देखने के लिए मिल जाएगी, तो ओवरऑल सेल्फीज इस फोन से काफी अच्छी आ जाएंगी। तो ओवरऑल कैमरा मॉड्यूल की अगर बात करी जाए तो ठीक ठाक सा कैमरा मॉड्यूल है, वो ही मिलता है जो दूसरी कंपनियां दे रही है, कुछ भी नया यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल में आपको नहीं मिलता है। बैटरी की बात करते हैं भाई, 4025 mAh की बैटरी इस फोन के अंदर हमको दी गई है और भाई जहां इस बजट के दूसरे फोन्स में हमको 4500 mAh, 5000 mAh, कहीं कहीं तो 6000 mAh की बैटरीज मिल जाती हैं, यहां पर ओप्पो हमको 20000 के फोन में 4025 mAh की बैटरी दे रहा है। तो भाई बैटरी का साइज थोड़ा छोटा है, लेकिन हाँ जो है वो है 4025 mAh की बैटरी है, 30W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, वो फ्लैश चार्ज 4.0 वाला चार्जर आपको मिल जाएगा, बॉक्स के अंदर टाइप सी का सपोर्ट मिल जाएगा। तो ओवरऑल जो बैटरी मॉड्यूल है वो डिसेंट है, बैटरी का साइज थोड़ा सा बड़ा होता, कम से कम 4500 mAh की बैटरी होती तो अच्छी बात होती, यहाँ पर बैटरी थोड़ी सी छोटी मिलती है। बात करें एंड्रॉइड वर्जन की तो आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आपको मिल जाएगा एंड्रॉइड 9 पाई के ऊपर। अब भाई 2020 में कोई फोन लॉन्च हो रहा है और वो एंड्रॉइड 9 पाई के साथ में हो रहा है तो ये मेरे को थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है यार, एंड्रॉइड 10 के साथ में फोन लॉन्च होता तो ज्यादा अच्छी बात होती। साथ ही साथ कलर ओएस की बात करें, यहाँ पर UI मिलेगा आपको कलर ओएस वाला, अब 6 वाला मिलता है या 7 वाला मिलता है ये चीज कंफर्म नहीं है, तो एंड्रॉइड 9 पाई के साथ में आपको कलर ओएस का सपोर्ट इस फोन के अंदर देखने के लिए मिल
जाएगा। रैम एंड स्टोरेज की अगर बात करें भाई, तो यहाँ पर आपको LPDDR4X रैम का सपोर्ट मिलेगा, साथ ही में UFS 2.1 वाली स्टोरेज देखने के लिए मिल जाएगी। तो ओवरऑल जो रैम और स्टोरेज का जो टेक्निक्स यूज किए गए हैं वो काफी अच्छी की गई है। रीड राइट की स्पीड काफी अच्छी आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं भाई परफॉर्मेंस की। इस फोन के अंदर ताकत दी गई है आपको MediaTek के हेलियो P70 प्रोसेसर की। और भाई मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई, 20,000 के फोन में MediaTek का हेलियो P70, भाई मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही है। वीवो ओप्पो जैसी बड़ी कंपनियां ऐसा क्यों कर रही है कि इतने हाई बजट पे आपको ऐसे प्रोसेसर दे रही है जो आपको बजट सेगमेंट में मिल जाते हैं। भाई 20,000 में फोन लॉन्च किया जा रहा है। एक तरफ वीवो लॉन्च करती है 27,000-28,000 का, वहां पे 675 प्रोसेसर देती है, यहां पर ओप्पो लॉन्च करती है तो P70 प्रोसेसर देती है, भाई समझ में नहीं आता है। हालांकि बात करते हैं इस फोन के बारे में, P70 जो प्रोसेसर है वो 12 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है, यानी कि बैटरी कंजप्शन इस फोन के अंदर आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा और ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ बैटरी लगाई गई है 4025 mAh की, तो भाई पहले तो छोटी बैटरी है, ऊपर से आपका प्रोसेसर और बैटरी कंजप्शन ज्यादा करेगा, तो ओवरऑल इसकी जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो आपको उतनी अच्छी देखने के लिए नहीं मिलेगी। बात करें दूसरी चीजों की, तो 2.1 GHz पर क्लॉक प्रोसेसर है, तो ठीक ठाक सी डिसेंट सी परफॉर्मेंस दे देगा। अगर मैं आपको इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताऊं तो भाई स्नैपड्रैगन 665 से ऊपर है और 675 से नीचे है, मतलब दोनों के बीच का प्रोसेसर है, तो यहाँ पर डिसेंट परफॉर्मेंस आपको इस फोन के अंदर देखने के लिए मिलेगी। गेमिंग की परफॉर्मेंस भी आपको डिसेंट मिलेगी, भाई बहुत हाई एंड गेमिंग आप इसमें नहीं कर पाओगे, डिसेंट गेमिंग मिल जाएगी, डे टू डे यूसेज के डिसेंट परफॉर्मेंस आपको इस फोन के अंदर मिल जाएगी। तो ओवरऑल जो प्रोसेसर की बात की जाए तो अच्छा प्रोसेसर नहीं लगा मुझे, जिस प्राइस पॉइंट पर फोन लॉन्च हो रहा है वहां पर थोड़ा अच्छा प्रोसेसर दिया जा सकता था इस फोन के अंदर। इस फोन को लॉन्च किया जा रहा है केवल एक वेरिएंट में 8GB + 128GB। हालांकि इसको आप मेमोरी कार्ड घुसेड़ करके 256GB की हार्ड डिस्क बना सकते हैं, लेकिन हाँ जो है ये एक वेरिएंट लॉन्च किया जा रहा है और इस वेरिएंट का प्राइस रखा गया है 20,990 रुपए। और भाई मेरे हिसाब से ये फोन बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस्ड है। जो प्रोसेसर इस फोन के अंदर देखने के लिए मिलता है और जो स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं, भाई बिल्कुल भी कंसिडर करने लायक फोन नहीं है अगर आपका बजट 20,000 के आसपास है। क्योंकि ना तो आपको इसके अंदर अच्छा एक बैटरी मॉड्यूल मिलता है, आपको 4000 mAh की बैटरी भले ही से मिल जाती है लेकिन P70 प्रोसेसर के साथ में वो कंबाइन नहीं होती है ढंग से, क्योंकि यार वो बहुत ज्यादा बैटरी खाता है प्रोसेसर और यहाँ पर छोटी बैटरी दी गई है, तो ओवरऑल बैटरी परफॉर्मेंस आपको अच्छे नहीं मिलेगा। P70 का परफॉर्मेंस डिसेंट है, डे टू डे यूसेज का अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाएगा, लेकिन गेमिंग वगैरह के अंदर या हाई एंड परफॉर्मेंस के अंदर आपको उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी जितना इस बजट के किसी और फोन के अंदर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर दूसरा परफॉर्मेंस के लिए भी आप दूसरा फोन कंसिडर कर सकते हैं। कैमरास के लिए आपको ये जो कैमरा मॉड्यूल यहाँ पर देखने के लिए मिलता है वो बहुत कम बजट वाले फोन में भी देखने के लिए मिल जाता है, तो आप दूसरे फोन कंसिडर कर सकते हैं कैमरा के लिए। ओवरऑल कहने का मतलब यही है भाई कि अगर आप इस फोन का वेट कर रहे हैं, 20,000 के आसपास आपका बजट है और आप सोच रहे हैं कि इस फोन को लॉन्च होने दिया जाए उसके बाद डिसाइड किया जाए, तो भाई इसको फोन लॉन्च भी होने दो, उसके पहले ही डिसाइड कर लो, क्योंकि ये फोन बिल्कुल लेने लायक नहीं है। आप मेरे को कमेंट करके बताना क्या आपको ये फोन पसंद आया या क्यों पसंद नहीं आया, कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचेंगे तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।